नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नुड़े के इजी में। तो दोस्तों, जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाए चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखकर जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिलता रह सके। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं कि क्या आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं और काफी कमेंट्स में मुझे पूछा जा रहा है कि यार व्हाट्सएप का जो फीचर है ना, अभी जो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज शेयर करते हैं सिर्फ 5 लोगों को शेयर कर पाते हैं, अपने 5 पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को शेयर कर पाते हैं। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं यार कुछ तो करो यार, हमें हर सुबह उठ के हमारे जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स है उनको सबको गुड मॉर्निंग भेजना होता है और इतने को सिलेक्ट करके यार 5 को कितनी बार में हम भेजे या फिर गुड मॉर्निंग या फिर अदर मैसेज है। और तो ऐसा हम क्या करें कि सभी के साथ मैसेज भी, सबके व्हाट्सएप पर मैसेज भी चला जाए और वो अलग अलग करके जाए, मतलब ग्रुप में ले जाए। अब दूसरा तरीका आप क्या अपनाओगे कि ग्रुप बना लोगे और एक को भेज दिया तो वो ग्रुप में ही जाएगा, सबके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक ऐसा रास्ता जिससे आप जो है अपने जो है व्हाट्सएप में 5 से ज्यादा लोगों को सेंड कर सकते हो, वो भी अलग अलग जाएगा उनके पास। ऐसे नहीं कि ग्रुप में चला गया, मतलब आपने 100 लोगों को या मतलब 100 लोगों का 200 लोगों को, 200 कुछ इसकी सीमा है, 200 लोगों के एक साथ मैसेज भेज सकते हो। जैसे एक साथ आप मैसेज भेजोगे तो अलग अलग करके जाएगा, मतलब ये नहीं कि एक ग्रुप बन गया और ग्रुप वाइज जाएगा कि सभी उसमें देख ले, सबको पर्सनल मैसेज आए। जैसे गुड मॉर्निंग आपने लिखा तो वो गुड मॉर्निंग कॉमन सभी के लिए होगा, मतलब वो 200 जो लोग हैं उनके गुड मॉर्निंग अलग अलग अकाउंट्स में जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, किसी वेबसाइट पर नहीं जाना, आपको कोई प्ले स्टोर में नहीं जाना। सिंपल सा आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ आओ, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। सबसे पहले हमें चलना है अपने व्हाट्सएप पर। सिंपली मेरे मोबाइल में जो है व्हाट्सएप में अभी ओपन कर लेता हूं और व्हाट्सएप को जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो इस तरह का आप देखने को मिल रहा है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर लिखा होगा न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। न्यू ब्रॉडकास्ट पर सिंपली आपको क्लिक करते हुए ये ऊपर लिखा हुआ है 0 of 256 सिलेक्टेड, मतलब 0 से आप 256 तक के लोग इसमें सिलेक्ट कर सकते हो और एक ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। सिंपल ही जितने भी आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हो, जैसे पहले सिलेक्ट करते हैं ऊपर 1 of 256 पर आ चुका है, उसके बाद में मैं ये कर लेता हूँ। जितने लोगों को आप जो आप पर्सनल कॉन्टेक्ट पर्सनल जो है मैसेज भेजना चाहते हो उनका जो है ब्रॉडकास्ट बना लीजिए इस तरह से। जितने लोगों का आप चाहे, जितने भी आपके मोबाइल में जो है अकाउंट्स है नंबर है उनका इस तरह से जो है सिलेक्ट करके सिंपली आप बना लीजिए। जैसे 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, मैं मान लीजिए अभी 25 का ही बना लेता हूँ। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, राइट वाला क्लिक आ रहा है उस पर नीचे क्लिक करना है। जैसे ही राइट वाले बटन पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो ये एक ब्रॉडकास्ट बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर लिखा हुआ 25 रेसिपेंट्स और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी आपको मैसेज भेजना है, जैसे मैं यहाँ पर भेजू, जो भी आप मैसेज भेजोगे यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर ओ लिख के या फिर ऐसे मैंने ओ लिखकर मैसेज भेज दिया तो ओ लिखकर जो मैसेज मैंने भेजा है वो 25 लोगों को अलग अलग करके जाएगा। देखिए दिखेगा तो देखिए, मैं अभी आपको स्क्रीन पर चलकर दिखा देता हूँ। अब ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है वो ब्रॉडकास्ट है, वो जितने भी नंबर है उनको AJ अमित अंजलि जो भी इतने सारे नाम आ रहे हैं ये सारे क्या है कि इक्वल है, मेरा मतलब है कि लगातार है, मतलब आपको अपना पर्सनल नाम नहीं दे सकते, इसे आपके कॉन्टेक्ट्स के नाम ही लगातार इस पर आ जाएंगे। सिंपली देखिए, ये आपको लग रहा है कि जैसे ग्रुप हो लेकिन ये क्या है ब्रॉडकास्ट, इसका चिन्ह आप देख सकते हैं जैसे कोई भोपू हो और आपको जो है सूचना दे रहा हो सिंपली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास मैसेज आ गया, सॉरी, तो नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आप भेजोगे, जो भी आप भेजोगे तो वो पर्सनल जाएगा, मतलब हर एक अलग अलग व्यक्ति के पास जाएगा, हर अलग अलग अकाउंट के ऊपर जाएगा। तो अब आपको ये नहीं कि आप 5 ही लोगों को भेज सकते हो अब एक साथ, यार चाहे जितने को भेजो ना, 256 से ज्यादा तो मेरे हिसाब से होंगे नहीं, कि 256 से ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, 2 बना लीजिए, 2 को मिलाकर आपके लगभग 450 से शायद 462 तक हो जाएंगे। तो 462 तक हो जाएंगे तो आप इतने तो काफी होते हैं, और ज्यादा चाहिए तो 3 बना लो, 4 बना लो, ताकि 5 लोगों का भेजे तो 5 बना लो, काफी होता है यार इतना ज्यादा। तो ये एक सॉल्यूशन था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों के इसके पास, यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्या है यार बेकार सी चीज। तो ये था एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो में आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर। तो दोस्तों, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।